हाँ जी, आपका स्वागत है खुशी खुशी ब्लॉग में। और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया अपना सुबह के 9 बजे से। तो जी, सबसे पहले मैंने अपना घी ब्लो दिया है। मैंने शाम को अपनी मलाई जमाई थी। तो एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ आज आपको, क्योंकि मुझे पता चली है तो मैं सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। जैसे हम मलाई उतार उतार के फ्रिज में रख लेते हैं ना, 4-5 दिन की, फिर वो जमाते हैं, फिर उसकी उसका घी बनाते हैं, तो वो सबसे बेकार बताया डॉक्टरों ने। तो बताया कि सबसे बुरी बीमारी तो यही है आज जो दुनिया में सब बना के, जैसे 3-4 दिन की मलाई जमाते हैं और फिर घी बनाते हैं, तो सबसे बुरी बीमारी है वो। तो इसको बनाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता चला है तो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब मैं बिल्कुल जस्ट जैसे आज मलाई बनी तो मैंने आज ही वो जमा दी शाम को, मैं अब इकट्ठी नहीं करती हूँ, क्योंकि वही डॉक्टर से पता चला है हमको। यहाँ साइड में कोई बीमार हो गया था, तो जैसे वो डॉक्टर के पास गई और उसका अब पेट में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा, तो उन्होंने बोला सबसे बड़ी बीमारी ये जो मलाई इकट्ठी करने वाली ना आज का लेट जो में हो गई है, तो इसको बंद करो, ये सबसे बुरी बीमारी है, ये पेट में बहुत बड़ी दिक्कत करती है लेडीज़ के। तो जी, आज के बाद मलाई इकट्ठी मत करना, जो रोज़ बंदी रोज़ जमा दी, रोज़ ताज़ा घी वो बन जाएगा और रोज़ यूज में हो जाएगा। तो चलिए जी, ये तो जी खास बात। और अब मैंने अपना घी ब्लो दिया है और सुबह के बज चुके हैं 9, बच्चे गए हैं स्कूल में और पता है कि पापा ड्यूटी पे, तो आज है भाई शनिवार जैसे, तो ये मेरा शनिवार वाला ब्लॉग है सुबह का। तो भाई आप पता ही है, शनिवार को मुझे कुछ ना कुछ ये देख के बनाना पड़ता कि जो बगैर लहसुन प्याज का बन जाए। तो जी, मैंने टमाटर उबाल लिए हैं और छिलका उतार दिया इनका, और इनको मैंने भाई अपने इससे कूट लिया है। और इधर मैंने पंच बोलते हैं ना, पंच टाइप का वो होता है फ़ौरन, वो डाला, जैसे कलौंजी, अजवाइन, ये क्या बोलते हैं, हींग, मेथी दाना, शोप, जीरा, ये सब डाल के मैंने फ़ौरन तैयार कर लिया था, ज़रा सा घी डाल के। और अब मैंने टमाटर जो पीसे हैं वो डाल दिए हैं। तो जी, अब मैंने इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्ची, नमक और धनिया, सिर्फ ये इसके अंदर मसाले जाएंगे, और ये एक खट्टी मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। हल्दी ऐड कर दी ज़रा सी मैंने, तो इसको अब 5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि टमाटर पहले उबल चुके हैं तो अब इतना ज़्यादा पकाने को जरूरत है नहीं। तो अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ज़रा सा गुड़, तो ये खट्टी मीठी चटनी बन जाती है। तो इसके साथ मम्मी मेरी रोटी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी, मेरी मम्मी है यहाँ पे, वो सब अपने परांठे वरांठे लेकर चले गए हैं स्कूल में। तो जी, ये तो मेरा अब टाइम हो गया है, लगभग 10 बज गए हैं, जो बत्ती सुबह खुशी ने कर दी थी। तो वो अपना जब सुबह जब नहा धो के अपना भगवान के भोग लगा जाती है, कभी कुछ बना के कभी कुछ बना के वो फिर आ जाती है। और क्योंकि खुशी उठती है लगभग 6:30 के करीब उठ जाती है वो, इसी चक्कर में भी जो बत्ती करनी है मेरे को। तो जी, मैं मम्मी के साथ बातें कर रही हूँ, मम्मी बैठी है बाहर, तो वही अपनी नॉर्मल बातें होती रहती हैं, तो हम तो यही काम करते करते बातें करते रहते हैं। चढ़ा लेगा अपने आप से कवर कॉपी के, अगर फट गया तो बोल जल्दी, नहीं फटेगा। दीदी चढ़ाएगी शाम कवर, तेरे अपने आप चढ़ा देगी तू। ऐसे वासु कह रहा है कि मैं अपने आप कवर चढ़ाऊंगा कॉपी का, पता इसे हैं हैं चढ़ा देगा के यो। हाँ ना, खुशी करेगी जब दूध पिएगा हैं। अब तू सो कैसे गया आप हैं हैं, दूध लाऊंगे बेटा, दूध पिएगा अब हैं। बोला वो कहनी था, वो दीदी मैक्रोनी नहीं थी, मैक्रोनी ना थी, दूध ना बोला तो ना कोई कबेला पिया का ना मोटे मुके दूध अजन को दूध अभी लाए तो रोम मैं से पापा का रोज देता था मैं। हाँ, रोज दात दात टूट जा है आप पे। तो
हाँ टूट गया फिर वाले कमजोर हो रहे हैं। ये रख ले वहाँ क्यों डाल रही हैं। तो जी अब बज गए हैं शाम के 4, आपको पता ही 4 बजे मैं रसोई में लग जाती हूँ फिर से काम में, जैसे भाई दूध निकालना होता है, जैसे मेरी मलाई बन गई है तो आज इसको मैं जमा दूँगी, इसको उतार देती हूँ अब मैं, क्योंकि मलाई इसके पापा खाते हैं, वो भी जब शाम को मैं दूध गर्म करती हूँ जो ताज़ा मलाई होती है वो साथ साथ ले लेते हैं, जरा सी लेते हैं और वासु लेता है, खुशी खाती नहीं, मुझे अच्छी लगती नहीं, मम्मी को खानी नहीं है तो इसलिए मलाई बच जाती, नहीं तो मैं मलाई का बिल्कुल भी वो नहीं, हमें भाई मलाई उधर जाता दूध क्या रह जाता है। तो ये है गोला कच्चा, इसकी हम शाम को आज चटनी बनाएंगे, वही बात है शनिवार है तो मम्मी की भी हो जाएगी और हम सब भी खा लेंगे। तो ये तो नारियल की चटनी बनानी है और बनाऊंगी साथ में टिंडे की सब्जी सूखी, तो वो उसके पापा के लिए, हम सब के लिए, मम्मी चटनी ले लेगी और हम भी ले लेंगे। तो जी अब मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बनती रहेगी, इधर मेरा दूध वूध जो मेरे को बच्चों को देना है वो सब गर्म होता रहेगा, तो साथ साथ सारे काम। और वही बात है मम्मी जब भी मैं काम करती हूँ रसोई में तो बाहर बैठ जाती तो वो मुझसे बोलती रहती, मैं उनसे तो ऐसी बातें करते करते टाइम भी कट जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। तो जी ये मेरा दूध उबल गया है, मैंने डाल दिया है वासु के लिए फिर से, क्योंकि वासु को दूध पीना पसंद है तो इसलिए मैंने दूध वासु के लिए डाला, खुशी बहुत कम पीती है दूध, उसको इतना अच्छा नहीं लगता, और भाई एक परेशानी भी बिल्कुल कम नहीं होती, वो ज़्यादा ही बढ़ती जाती है, ये तो देख लिया बिल्कुल। इसके पापा के दाँत में, एक दाँत में दर्द हुआ था तो वो दाँत ठीक करवा था अगले वाले में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरे दाँतों में परेशानी हो गई है तो ये ठीक करने पड़ेंगे, जैसे तो वे गए हैं डॉक्टर के यहाँ। और अब मैंने चाय पत्ती डाल दी है, पानी गर्म हो गया है। तो जी ये मैंने लिया अदरक कूट के डाल देती हूँ चाय में। और जी व्लॉग तो पूरा अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, जो भाई कुछ मेरा काम दाम होता है वही तो मैं शेयर करती हूँ, उससे अलग तो मैं क्या दिखाऊँ कहाँ जाऊँ। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देख लिया करो, और देखिए बिल्कुल गली में एक ना एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने आता है, और मैं तभी इसी टाइम वीडियो बनाती हूँ ना एडिटिंग कर, इसी टाइम पूरा हा 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 वो गली में रहता है, कभी कोई कुछ बेचने आता है कभी कोई, तो बहुत परेशान इस चीज़ से भी मैं, और वही आपको भी सुनाई देगा शायद। वासु का रोना हो रहा स्टार्ट, देखिए सोया कि सोया मत करो, इसने दिन में यो हो जाए बेकार फिर। देखिए जब किसका फोन आया हुआ बेटा, किसका फोन आ रहा है, अरे माँ वासु भी वही फोन वाला हो गया हमारा बेटा, तो इतना फोन में गेम में मत घुस बेटा। ओए चंदू भाई खुशी सर दो रही है, क्योंकि कल है एकादशी और टाइम हो गया 7:45 का, क्योंकि एकादशी को सिर नहीं धोते तो आज अपना सिर धो रही है। और मैंने अभी रसोई पूरी साफ करी है, क्योंकि भाई चाय वाय के बर्तन रखे थे वो सारे साफ कर दिए हैं, तो अब शाम तो क्या गांव में इस टाइम खाना भी बन गया होगा और हम अपने आप खाने की तैयारी करेंगे। गाँव में और शहर में यही फ़र्क है बिल्कुल, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, तो कोई भी टाइम काम नहीं होता, सब बे टाइम का काम होता है यहाँ, और गांव में सब टाइम टू टाइम चलता है। तो जी अब वासु का तो गेम शायद पता नहीं हार गया कि जीत गया, तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग पे प्यार दिखा दिया करो, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा पूरा देख लिया करो, क्या बाबर बोलना पड़ेगा बताने भाई, सब लोग समझेंगे कि रियलिटी क्या है और क्या झूठ है। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कोशिश तो करती रहूँगी जब तक भाई मन करेगा, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भाई सपोर्ट करते हो कितना नहीं। तो जी चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नहीं हुआ बंद फिर करती हूँ। Thank you.